चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश से की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। हर जगह निगरानी बढ़ाई गई है, संदिग्धों पर भी खास तौर पर पैनी नजर होगी। परीक्षा केंद्रों के पास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों के जरिए सभी पर नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी निगरानी होगी। LIU भी इस दौरान सक्रिय रहेगा। यूपी DGP ने सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। तो सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। हर जगह पर पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है, खासतौर पर संदिग्धों पर पुलिस पैनी नजर रखेगी। परीक्षा केंद्रों के पास में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर केंद्र पर पुलिस नजर भी रखती नजर आएगी। सोशल मीडिया पर भी निगरानी होगी, जहां LIU भी इस दौरान सक्रिय रहेगा। तो वहीं यूपी DGP ने भी सख्ती बरतने के आदेश जारी किए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा चूंकि अब उत्तर प्रदेश में होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और इस परीक्षा में कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर केंद्र पर पुलिस निगरानी रखेगी, खासतौर पर संदिग्धों पर भी पुलिस की पैनी नजर होगी। परीक्षा केंद्रों के पास में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जहां तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस बार कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सिपाही भर्ती की बात की जाए या इससे पूर्व आई कई सारी भर्तियां जिनके पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद सिस्टम के लीकेज की वजह से लगातार जो नकल माफिया है यूपी में हावी है। हालांकि अब उनको प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार ने विधानसभा में कानून भी पेश किया है, कानून पारित किया है, नकल के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है कैबिनेट की बैठक में। और इसके अलावा इस बार जो परीक्षाएं अगस्त के महीने में अंतिम सप्ताह में 3 से 4 परीक्षाएं होनी है पूरे प्रदेश में, और ऐसे में यूपी पुलिस परीक्षा का ये री एग्जाम है, यानी एक बार इसका भी पेपर लीक हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के ऊपर, उत्तर प्रदेश प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए। और जाहिर है कि इसी वजह से, जैसा अभी आपने बताया कि तमाम परीक्षाओं की तरह इस बार की परीक्षा थोड़ी अलग होगी। इस बार जिन 8 जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बने हैं वहां पर विशेष नजर होगी, क्योंकि वहीं से जहां पर परीक्षा केंद्र नहीं होते हैं मूवमेंट का खतरा होता है, किसी भी तरीके की पैड एक्टिविटी का जो मामला होता है वो देखा जाता है। केंद्र पर तलाशी के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात होंगे। परीक्षा केंद्रों की आसपास की दुकानें जो हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो फोटोकॉपी की दुकानें हैं, वहां पर भी चेकिंग होगी। प्रश्न पत्रों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए नोडल अफसर और परीक्षक निगरानी करेंगे, तो संदिग्धों पर भी नजर रहेगी। और जितने पुराने नकल माफिया है जिनके ऊपर कभी न कभी पेपर लीक का मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर विशेष निगाह रहेगी। सूत्र बताते हैं कि SPF यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स UP SPF ने उनको लेकर एक विशेष रणनीति बनाई है, जो अभी तक पेपर लीक में यूपी में शामिल रहे हैं, क्या आखिर उनकी एक्टिविटी क्या है। तो ये दस्तर पर तैयारियां हैं और पूरी तरीके से निष्पक्ष परीक्षा कराने की तैयारी है। बिल्कुल, यानी कि पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई हैं कि इस बार की परीक्षा में कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, जिसको लेकर अब लगातार अलर्ट मोड पर भी पुलिस महकमा नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हर जगह पर निगरानी बढ़ाई गई है, संदिग्धों पर भी खासतौर पर पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के पास में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके और इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा चूंकि अब उत्तर प्रदेश में होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है और पहले से ही तैयारियां की जा चुकी हैं ताकि इस परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई घोटाला ना हो, कोई धांधली ना हो, जिसको लेकर लगातार पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। हर जगह पर पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है, वहीं संदिग्धों पर भी नजर रखी जाएगी।